से पहले बात कर लेते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के तत्वाधान में अजमेरी ग्राउंड पर हुए कार्यक्रम की, जिसमें सूर्य नमस्कार और साथ ही शीर्षासन, कपालभाति आदि कई तरह के योग अभ्यास किए गए। साथ ही जवानों को नियमित रूप से योग करने की शपथ भी दिलाई गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां योग के अवसर पर ये महत्वपूर्ण दिन, आज योग के महत्व को हर कोई आज जान रहा है। और ये कोटा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 साल हो चुके हैं इस योग दिवस के, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही हुई। यूएन ने इस दिन को योग दिवस के रूप में समर्पित किया है, 21 जून जहां पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। तस्वीरें आपको कोटा की दिखा रहे हैं जहां एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, तकरीबन 2 लाख लोग यहां एकजुट हुए योग करने के लिए। इससे पहले जहां 65,000 लोग एक साथ योग करने के लिए एकत्रित हुए थे और उस वक्त एक कीर्तिमान स्थापित किया गया था, लेकिन आज वो रिकॉर्ड टूटा है। तो कोटा में विश्व योग दिवस पर महायोग समारोह का बाबा रामदेव और सीएम राजे ने आगाज किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बाबा रामदेव के साथ यहां योग किया। वहीं मंच पर आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम राजे ने कहा कि आप लोग विश्व के विशालतम योग शिविर में शामिल हो रहे हैं और मैं राजस्थान की तरफ से हर साधक का दिल से स्वागत करती हूँ। राजे ने कहा कि बाबा रामदेव ने लुप्त हो रही इस योग परंपरा को पूरी दुनिया में फैलाया था, जहां वजीर फकीर की ये जोड़ी भारत और भारतीय परंपराओं को दुनिया में स्थापित कर रही है। साथ ही मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई बहुल 177 देश योग को मान्यता दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने लंदन से आई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम का भी स्वागत किया। ओम के उच्चारण के साथ इस महायोग की शुरुआत की गई आज सुबह, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी कहा कि प्लीज इंजॉय द योगा। तो व्यायाम करने के साथ साथ इसे एंजॉय भी किया जाए, यानी इसका लुत्फ भी उठाया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी क्रिया है जो आपके शरीर पर ज्यादा बल नहीं डालती है। आप मुस्कुराते हुए योग करें, यही बाबा रामदेव ने भी कहा। शरीर पर ज्यादा बोझ ना डालते हुए, ज्यादा परेशान ना होते हुए, चाहे वृद्ध हों, बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे कोई बीमार व्यक्ति क्यों ना हो, हर किसी के लिए आसन निर्धारित है। अगर बुजुर्ग है तो उनके लिए हल्के आसन है, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए बच्चे कुछ कठोर आसन भी कर सकते हैं। हर किसी के लिए योग में आसन निर्धारित है। ऐसे में योग के माध्यम से आप अपने मस्तिष्क को, अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। और यही गुर सिखाने के लिए आज कोटा में काफी बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए थे, जहां एक कीर्तिमान तो बनाया ही है, साथ ही लोगों में ये एक आदत आए कि उन्हें रोज योग को अपने जीवन में उतारना है, योग के महत्व को समझे, योग किस तरह से किया जाए, क्या उसकी सही क्रिया है, क्या उसका महत्व है, हर आसन के महत्व को समझा जाए और उसके अनुरूप ही अपने जीवन में नियमित तौर पर योगा के आसन किए जाए। ये आज महत्व बताया गया है योग दिवस पर। सुबह सुबह पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। और जिस तरह आज उत्तराखंड में मौजूद प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही कि सूरज जिस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, अलग अलग देशों में योग दिवस के दिन आज योग अभ्यास किया जाएगा, योग के कार्यक्रमों में लोग शिरकत कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कोटा की है। सुबह 5 बजे ही ये कार्यक्रम शुरू हो गया, जहां पहुंचे थे योग गुरु बाबा रामदेव, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, साथ ही तमाम अधिकारी और कैबिनेट के मंत्री। कोटा में आज एक विश्व कीर्तिमान बनाया गया है, जहां तकरीबन 1,05,000 से ज्यादा लोग पहुंचे योग करने के लिए। हालांकि ये गिनती आगे और बढ़ी, लेकिन जिस वक्त एक सर्टिफिकेट दिया गया था ये कीर्तिमान स्थापित करने का, उस दौरान 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके थे जो कि एक साथ योग कर रहे थे। इससे पहले ये संख्या 65,000 लोगों की रही है, लेकिन अपना ही रिकॉर्ड भारत ने तोड़ा है एक साथ योग करने का और नया कीर्तिमान यहां स्थापित किया गया है। विश्व में योग के प्रचलन को एक बड़ी कामयाबी माना जा सकता है। 4 साल पहले योग दिवस का आयोजन किया गया था और आज 4वीं वर्षगांठ है योग दिवस के रूप में, जहां योग को महत्व मिला है। भारत की ही संस्कृति से जुड़ा हुआ ये योग है। Congratulations.
which was 55,506 participants. We are happy that you exceeded that. So you are now the world record title holders for the lower Christmas Day. Congratulations to the Government of Rajasthan, Patanjali, and the District Administration of Khaisa. You are all officially amazing. तो ये तस्वीरें आपको उस समय की दिखा रहे हैं जब ये सर्टिफिकेट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा संख्या में एक साथ योग करने का योग गुरु बाबा रामदेव और मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। यहाँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम पहुंची थी जिन्होंने ये ऐलान किया और उसके बाद हर कोई खुश था क्योंकि योग एक साथ करना ये न सिर्फ सामाजिक तौर पर हमें जोड़ता है बल्कि हमारे शरीर और आत्मा को भी जोड़ता है। योग जिसका अर्थ है जोड़ना और योग को एक साधना के तौर पर भी कई लोग देखते हैं कि किस तरह आप ध्यान के जरिए ईश्वर से प्रकृति से भी जुड़ सकते हैं। तो योग के कई अलग अलग मायने हैं, कई आयाम हैं। योग आपके जीवन को और बेहतर और सरल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है कि इस वक्त काफी स्ट्रेसफुल लाइफ से हम जी रहे हैं, तनावपूर्ण माहौल में हम जूझ रहे हैं। ऐसे में योग अगर हम अपनी जिंदगी में जोड़ लेते हैं, अपनी दिनचर्या में जोड़ लेते हैं तो ये काफी फायदेमंद रहेगा। तो कोटा में विश्व योग दिवस पर कीर्ति स्थापित हुआ है। एक साथ एक ही प्रांगण में 1.5 लाख लोगों ने योग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जहां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह ऐलान भी कर दिया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ सर्टिफिकेट लेते हुए योग गुरु बाबा रामदेव, बालकृष्ण और साथ ही मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री और अधिकारी मंच पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने एक साथ योग किया है। आज सुबह ये विश्व कीर्तिमान है और ये बहुत गौरव महसूस करने की चीज है कि जो दशकों कई लाखों साल पुरानी जो शैली थी भारत में जिसका जन्म हुआ था योग का, वो आज इतनी प्रचलित हो रही है। इसका श्रेय कई लोगों को जाता है लेकिन पूरे भारत में योग के प्रति लोगों को जागरूक करने का श्रेय जाता है योग गुरु बाबा रामदेव को। उन्होंने जगह जगह जाकर न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में भी कई जगहों पर योग के कार्यक्रम किए। योग का महत्व सरल शब्दों में, आम भाषा में आम लोगों तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए हैं और इसका साफ तौर पर श्रेय योग गुरु बाबा रामदेव को तो जाता ही है लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में सरकारों ने, नेताओं ने और संस्थाओं ने जिस तरह से योग का प्रचार किया है ये भी एक मिसाल है और यही वजह है कि योग को लेकर कई कीर्तिमान हम स्थापित कर रहे हैं। आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हो चुका है कि 1.5 लाख लोगों ने एक साथ एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे एक साथ योग किया है और इस तरह के कई और कीर्तिमान भारत की ओर से स्थापित किए जाएं। भारत के लोग जब तक योग को अपनाएंगे नहीं तब तक उनकी जीवन शैली और ज्यादा सरल नहीं होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तनाव मुक्त रहना है, ऐसी तमाम चीजों के लिए योग काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो योग के महत्व को बतलाने के लिए ही ये योग दिवस आयोजित किया जाता है ताकि एक दिन हम सब लोग इसके महत्व को समझे, जाने और लोगों को प्रेरित कर सके। जो लोग अभी भी योग से नहीं जुड़े हैं वो इन तस्वीरों से, ऐसे विचारों से और इसके महत्व को समझकर, इससे प्रेरित होकर योग को अपना सकते हैं। योग के हर आसन को करना हर किसी के लिए संभव नहीं है, इसीलिए हर स्तर पर, हर वर्ग के लिए, हर आयु सीमा के लिए कुछ योग आसन निर्धारित किए गए हैं जो आज आपने तमाम कार्यक्रमों में देखे होंगे, इनके माध्यम से देखे होंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी कई कार्यक्रमों में पहुंचकर इस तरह के व्यायाम और आयामों के बारे में आपको बताया है। कई जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। सिर्फ सरल भाषा में कहा जाए तो योग को अगर आप अपनाते हैं तो शरीर के साथ साथ एक हेल्दी और फिट लाइफ के साथ साथ आप मेंटल तौर पर भी, यानी मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रह सकते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग हेल्थ के लिए, बीमारियों के लिए पैसा जोड़ते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं लेकिन इन सब से बचने के लिए योग है। अगर आप योग को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी परेशानियों से बच सकते हैं। आजकल बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, युवा हों, हर कोई किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहा है। कोई तनाव से, कोई डायबिटीज़ से, कोई शुगर से, कोई बीपी की बीमारी से जूझ रहा है। इन तमाम बीमारियों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक हल है, वो है योग। तो योग को अपनाना बेहद जरूरी है।
आपने हमारे भारत के प्राचीन ऋषि परंपरा के मूल तत्व योग को सामने लाने का काम किया है और आपने इसको पुनर्जीवित किया है पूरे विश्व के अंदर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ये कहां कौन से गुफाओं के अंदर चला गया था, ये कहां किताबों में शास्त्रों में पढ़ने की बात हुआ करती थी, आज सबके सामने और पूरी दुनिया कायल है योग की और समझ गई है कि योग के पीछे कितना बड़ा निरोग शरीर के लिए मदद मिल सकती है। पिछले 30 वर्ष से आपने कितना समय अपना निकाल के इसको सबके बीच में ले जाने का काम किया है। मैं समझती हूं कि ये उसी का नतीजा है कि आज करोड़ों लोगों ने अपने दिनचर्या के अंदर योग को उतारने का काम किया है। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी, जिन्होंने विश्व के सामने योग का महत्व बता दिया है और ये भी सामने लाने की कोशिश की है और सक्सेसफुली कोशिश कर दी है कि स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर, ये कितना जरूरी है किसी के भी जीवन के अंदर। और एक स्वस्थ विश्व का सपना साकार कैसे हो सकता है और उसका कितना सिंपल मंत्र है योग, वो हम सबके सामने लाने का उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। मुख्यमंत्री ने भी काफी सराहना की है योग गुरु बाबा रामदेव की, उनके प्रयासों की और किस तरह से उन्होंने पिछले 30 सालों से पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ ये कार्य किया और इसी का ये परिणाम है कि आज चौथी साल ये योग दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश को स्वस्थ रहने की प्रेरणा देने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव का काफी बड़ा योगदान है। उन्होंने न सिर्फ अभिनेताओं से बल्कि आम लोगों से, नेताओं से, सभी से योग कराया है और जब जब तस्वीरें सामने आई हैं उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया है, उन्हें प्रेरित किया है और उन्हीं के इन प्रयासों से ये संभव हुआ है कि योग को आज विश्व में इतनी बड़ी पहचान मिल पाई है। भारत देश से ही इस योग की उत्पत्ति हुई थी और आखिरकार भारत ही कई कीर्तिमान आज इस योग दिवस पर स्थापित कर रहा है, जिसमें से एक बड़ा कीर्तिमान कोटा में आज स्थापित किया गया जहां तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने एक साथ योग के आसन किए हैं। बेहद गौरवशील ये पल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब ये प्रमाण पत्र, ये सर्टिफिकेट गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की ओर से इन्हें सौंपा गया था। मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद थे, स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ मंच पर मौजूद थे, तमाम अधिकारी, डीएम सभी यहां पहुंचे हुए थे और ऐसे कई और कीर्तिमान भविष्य में हमें स्थापित करने हैं। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट भारत देश को अगर मिल सकता है योग के माध्यम से तो वो ये है कि हर कोई योग को अपनाए, हर कोई स्वस्थ रहे, निरोगी काया बने। यही योग का एकमात्र संदेश है जिसे हमें अपनाने की जरूरत है और यही संदेश आज का दिन हमें दे रहा है। जो लोग आज योग से नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने जीवन में अभी तक योग के महत्व को नहीं समझा है, आज ये प्रेरणा वाला दिन है जिसे आप प्रेरित होइए और योग आपके लिए किस तरह से जरूरी है आप अपने अनुसार इसे अपनाइए। हो सकता है कि कुछ लोग शरीर से फिट हों लेकिन दिमागी तौर पर, मानसिक रूप पर परेशान हो, ऐसे में उन्हें ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ये तमाम आसन और क्रियाएं आपके लिए बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यक्रम में जब पहुंची थी उन्होंने इस कार्यक्रम में कई योगासन किए और साथ ही लोगों को शपथ भी दिलाई कि किस तरह से योग के माध्यम से वे स्वस्थ रहेंगे। मैं वसुंधरा राजे, आप अपने आप नाम है वसुंधरा राजे, सब अपना अपना नाम है वसुंधरा राजे का, मतलब सब अपना अपना नाम लेंगे जैसे उन्होंने लिया। महाराज जी मुझे बड़ी खुशी है कि ये सब वसुंधरा राजे है, मैं चाहती हूँ। मैं वसुंधरा राजे, आप अपना नाम लो। मैं स्वामी रामदेव संकल्प लेती हूँ, संकल्प लेते हैं कि सर्वदा अपनी सोच में, सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगी, संतुलन बनाए रखेंगे, ऐसी मनस्थिति, ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्मविश्वास, मेरे उच्चतम आत्मविश्वास
कि असीम संभावनाएं प्रदान करती है, कि असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। आप सब कृत संकल्प हैं। हम सब कृत संकल्प हैं। बोलिए हम सब। तो ये संकल्प आज कोटा में लिया गया, लेकिन ये संकल्प पूरे विश्व के लिए है, हम भारतवासियों के लिए है। हमें भी ये संकल्प लेना है कि हम योग के साथ जुड़ेंगे, योग का सहारा लेंगे और योग से ही अपने जीवन को और बेहतर करेंगे। योग के माध्यम से अगर आप खुश रहते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, तो आपका परिवार स्वस्थ रहता है, परिवार स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है तो देश स्वस्थ है, और पूरा देश अगर स्वस्थ है तो विश्व में जो भागीदारी एक देश निभाता है उसमें हम अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर वो काबिलियत है, वो क्षमता है। बस हमें अपनी क्षमता को पहचानने की जरूरत है और स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क चलता है, ये आप सभी जानते हैं। इसलिए अगर अच्छी सोच रखनी है तो अच्छा स्वास्थ्य अपनाइए, अच्छा जीवन अपनाइए, यही एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ा था। मुख्यमंत्री ने भी योगासन किए और उसके बाद शपथ भी लोगों को दिलाई। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कराया गया है, एक नया कीर्तिमान बनाया गया है। लेकिन ये दिन आज खत्म नहीं होता है, बल्कि ये आज शुरुआत है। जो लोग आज योग से जुड़ रहे हैं, जो योग के महत्व को आज जान रहे हैं, ये उनकी शुरुआत है और बेहद जरूरी है। आप कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, अगर आज आप इसके महत्व को समझ जाते हैं और आप आज से ही योग को अपना लेते हैं तो आपका सवेरा आज से ही हो चुका है, क्योंकि स्वस्थ जीवन स्वस्थ शरीर ही हर सक्सेस की, हर सफलता की एक चाबी है। और इस बीच सांसद दुष्यंत सिंह ने क्या कुछ कहा योग दिवस पर, ये भी आपको सुनाते हैं। आज आपने भी बहुत बेहतरीन तरीके से योगा किया। अश्वर जी धन्यवाद। और आज हम परम श्रद्धे योग गुरु बाबा रामदेव जी ने खाली देश में नहीं पूरे विश्व में, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में 11 दिसंबर को 2014 को तय किया था और उसको अब लगभग 4 साल हो चुके, तो ये पूरे देश में स्वस्थ जीवन के लिए एक अच्छी बात योग गुरु जी ने बोला है। और पूरे कोटा में और हमें सिखाने का एक कोशिश की है, उनने अपने बात कहा है कि अगर रोज आप अपना 10 मिनट या 15 मिनट रोज करेंगे, योगा करेंगे, तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश आगे चलेगा। बहुत बड़ी संख्या आ जाई है, 1.5 लाख लोगों का आंकलन है, 1,05,000। ये तो प्यार है, परम श्रद्धे हमारे महाराज बाबा रामदेव जी के लिए और हमारे राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अच्छा काम करके दिया है, तो मैं प्रधानमंत्री जी को और बाबा रामदेव जी को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ऐसे अच्छे कार्यक्रम और होते रहे। लास्ट में एक युवाओं को क्या मैसेज देंगे कि रेगुलर योगा करें, सारे युवाओं को, क्योंकि आप भी खुद युवा हैं। मुझे भी फिट होना है, तो मुझे भी उनसे ये मिला है कि आप रोज करिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी फिट रहूँ। बिल्कुल, ये है सांसद दुष्यंत सिंह जिन्होंने कहा कि सभी लोग योगा करें और मैं भी कोशिश करूँगा कि फिट रहूँ योगा करके। तो चाहे युवा हों या फिर बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, हर किसी को अपने स्तर पर फिट रहने के लिए योग की जरूरत है। और यही शिक्षा, यही संदेश आज दिया गया है इन तस्वीरों से। ये महज कोटा की ही तस्वीरें आपको नहीं दिखाएंगे, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से और किस तरह की तस्वीरें आई, किन किन लोगों ने आज योगा डे पर यानी योग दिवस पर किस तरह से योग किया है,
क्या उन्होंने संदेश दिया है, इससे भी आपको रूबरू कराया जाएगा। फिलहाल लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कोटा की, जहां कई इंस्टीट्यूट्स के बच्चे पहुंचे थे। और कोटा को ही क्यों योग दिवस के दिन चुना गया है कि आज यहां ये कीर्तिमान स्थापित किया जाए। ये कार्यक्रम कहीं और भी हो सकता था, लेकिन कोटा ही क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कोटा का महत्व यहां एक कोचिंग हब के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहाँ बच्चों के ज्यादातर सुसाइड की खबरें भी आई, क्योंकि डिप्रेशन था, तनाव था, और उसी का एक संदेश इस भूमि से देने की जरूरत थी। और वहीं इस बीच इस कार्यक्रम में कई अधिकारी भी पहुंचे थे, डीजीपी ओपी गहलोत्रा भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने क्या संदेश दिया, ये भी आपको सुनाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डीजीपी साहब, जो कि पुलिस को हमेशा मैसेज देते हैं फिट रहने का। कुछ दिन पहले भी इन्होंने फिट रहने का मैसेज दिया था। योगा के जरिए क्या मैसेज देंगे आप? योगा कितना आवश्यक है? योगा फिटनेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप आधे घंटे का योगा प्राणायाम के लिए अगर समय सुबह के लिए निकालें तो पूरा दिन आपका एनर्जी के साथ निकलता है। आज के ज़माने में हम लोगों का लाइफस्टाइल इतना सेडेंटरी हो गया, बैठे बैठे हम लोगों को काम करना पड़ता है या पुलिस की नौकरी अदरवाइज भी काफ़ी टफ है, तो ये रिलैक्सिंग भी है, ये स्ट्रेचिंग भी है, और आपके स्वास्थ्य के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। आज के इस कार्यक्रम में तो आपने देखा ही, लाख भर से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने की इवेंट का भी हम हिस्सा रहे, इस चीज़ की खुशी है। राजस्थान पुलिस ने, कोटा पुलिस ने, आरएसी ने इसके बंदोबस्त के लिए बहुत मेहनत की है। उनको और बाकी सभी आयोजकों को मेरी तरफ से बधाई। मैं देख पा रहा था बहुत अच्छे से योगा कर रहे थे, काफ़ी फिट हैं। आपके फिट रहने का राज? ये राज की बात है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ गॉड गिफ्टेड भी है, ये जेनेटिक भी है और मेरे थोड़े बहुत अपने प्रयास भी हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो राजस्थान पुलिस को मैसेज है डीजीपी साहब ओपी गल्होत्रा जी का कि फिट रहने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर रूप से योगा करें, प्राणायाम करें या व्यायाम करें, लेकिन फिट रहें। फिट रहेंगे तो बेहतर रहेंगे, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। कैमरा पर्सन जीतेश के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा। हालांकि इससे पहले डीजीपी का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने फिटनेस मंत्र दिया था। जो फिटनेस चैलेंज इन दिनों चला हुआ है, उसके माध्यम से भी लोगों को फिट रहने की एक सीख दी थी, और अब भी ये योग का संदेश दिया है। इसके अलावा यहाँ कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी भी पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। मेरे साथ मौजूद है प्रभुलाल सैनी साहब। प्रभुलाल जी, आप किस तरीके से फिट रखते हैं खुद को? अभी योगा आप कर रहे थे यहाँ पर बाबा रामदेव और मुख्यमंत्री जी के साथ। देखिए, जहाँ योग का सवाल है, इसको हमारी सभ्यता और संस्कृति से हम जोड़ें तो हमारे ऋषि मुनियों और हमारे महाभारत तक में इसका उल्लेख किया गया है। योग करने से मानव स्वास्थ्य अच्छा होता है, शरीर को पूरा ऑक्सीजन मिलता है, और यहाँ तक कि कई रोगों से बचाव योग के माध्यम से किया जाता है। और हमेशा हम लोग तो कोशिश करते हैं कि रोज़ योग के माध्यम से या एक्सरसाइज के माध्यम से या रन करके हम लोग अपनी कैलोरी को बर्न करने का काम करके निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य को ठीक करने का काम करते हैं। आपकी मैंने एक चीज़ देखी है, योग के अलावा आप आहार पर बड़ा ध्यान देते हैं। आहार में ख़ास तौर पर जो बहुत बेहतरीन आहार होता है वो आप लेना पसंद करते हैं, दूसरों को भी सलाह देते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसा जिसका आहार होगा वैसा ही उसका विचार भी होगा। शुद्ध और सात्विक आहार जिसमें प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत अधिक हो, जिसमें फल फ्रूट्स और सब्जियां जो होती है, यदि उनका सेवन कंटिन्यू हम लोग करते हैं तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं आती है। लेकिन आज जिंक फूड और जिस प्रकार के चल रहे हैं, जिस प्रकार के कचौरी समोसे खाकर बच्चे और कृषि मंत्री की ओर से ये एक अच्छी सीख दी गई है कि जैसा आप खाना खाते हैं उसी तरह के इंसान आप बनते हैं, इसलिए सात्विक भोजन कीजिए, अच्छा भोजन कीजिए जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी हो, फलों का सेवन कीजिए, और यहाँ व्यायाम के साथ साथ अच्छा भोजन काफ़ी मायने रखता है। डीबी गुप्ता साहब से हम बातचीत करेंगे, फिट रहने के लिए योग कितने ज़रूरी है? योग बहुत ज़रूरी है, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के शांति के लिए, विकास के लिए। और आज इसका हमने ताज़ा उदाहरण यहाँ देखा है, जहाँ 1,05,000 तो ऑफिशियली योग अभ्यास करते हुए और 2,00,000 के आसपास की यहाँ पर
जन सैलाब था मैं ये कहूँगा, और बड़े शांति और अनुशासित तरीके से उन्होंने योगाभ्यास किया। और मैं मानता हूँ कि ये योगाभ्यास अगर रोजाना के जीवन में चलेगा तो निश्चित रूप से शारीरिक। आपके फिट रहने का राज क्या है? लंबे समय तक मीटिंग्स लेते हैं सचिवालय में और बहुत सारे लोगों से भी मिलते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत दिन बाद ऐसे सीएस मिले हैं जो लोगों से भी मिलते हैं, लंबे समय तक मीटिंग्स भी लेते हैं और हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहते हैं। मैं प्राणायाम करता हूँ रोजाना, में आधा घंटा रोज निकालता हूँ, मॉर्निंग वॉक और प्राणायाम, ये मुझे तरोताजा रखता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यंग ऑफिसर्स हैं जिनमें कि आरएएस भी है, आईएएस भी है और आईपीएस भी हैं, जो यंग आते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि योग एक तरह से मानसिक और शारीरिक तारतम्य का एकात्म की बात है। आपको प्रकृति के साथ अपने को जोड़ना है और ये हमारे पुरातन टाइम से चली आ रही परंपरा है, उसको समझ करके और अगर उसको अपने उसमें लाएंगे अमल में तो उसका फ़ायदा मिलेगा और वो स्वस्थ तरीके से ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे। शुक्रिया। डीबी गुप्ता साहब, मुख्य सचिव से हमने बातचीत की, इन्होंने कहा कि योगा अगर नियमित रूप से करें तो बेहतर होगा। कैमरा पर्सन जीतेश के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया।